पिछले इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियोज में हमने देखा था और पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, साथ ही हमने उनके द्वारा निर्गत जो धारा या वोल्टता है उसके ग्राफ को स्टडी करते हुए निर्गत दिष्ट वोल्टता का औसत मान, आरएमएस मान, उर्मिका गुणांक तथा वोल्टता नियमन यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन को भी डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जो आउटपुट करंट या वोल्टेज जो थी यानी कि जो दिष्टकारी जो परिपथ है उसके द्वारा जो निर्गत धारा या वोल्टता है वो मैंने बताया था आपको कि कांस्टेंट नहीं है, समय के साथ कांस्टेंट नहीं है, उसके मान में परिवर्तन होता रहता है। तो देखिए किस प्रकार से वो परिवर्तन मैंने बताया था कि सपोज ये आपके सामने ग्राफ है तो इस प्रकार से पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए बात करूं तो इस प्रकार से आउटपुट प्राप्त हो रहा था। ये जो धारा है ये एक दिशा में अवश्य है यानी कि इस एक दिशा में अवश्य है लेकिन समय के सापेक्ष नियत नहीं है, यानी कि मैं कह दूं कि ये जो धारा थी ये समय के सापेक्ष नियत नहीं है। क्यों नियत नहीं है? क्योंकि इसका मान ये देखिए यहाँ से एकदम से बढ़ रहा है और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए तो पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, लेकिन ये एक दिशा में अवश्य है। तो इस प्रकार की जो धारा थी उसमें हम कहते हैं कि दिष्ट धारा जो है इसमें उर्मिका गुणांक है, उर्मिका है यानी कि जो प्रत्यावर्ती घटक जो है आउटपुट में उनको हम उर्मिका कहते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है जैसे मोबाइल का चार्जर है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टेलीविजन है, उन सब में अत्यल्प उर्मिका गुणांक वाली दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है, यानी कि ऐसे दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है जिसमें उर्मिका यानी कि प्रत्यावर्ती घटक बहुत कम हो। इसलिए दिष्टकारी की जो निर्गत स्पंदमान वोल्टता में से प्रत्यावर्ती घटक को पृथक करना आवश्यक हो जाता है, यानी कि मैंने बताया था निर्गत स्पंदमान वोल्टता है, ये स्पंदमान वोल्टता कौन सी, निर्गत वोल्टता को क्या कहते हैं, निर्गत स्पंदमान वोल्टता कहते हैं। अब उसमें से प्रत्यावर्ती घटक जो है उसको पृथक किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है, मसृणन यानी कि स्मूथिंग नाम दिया गया है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, इस प्रक्रिया को करने वाले जो विद्युत परिपथ है वो क्या कहलाते हैं, ये देखिए क्या कहलाते हैं, फिल्टर कहलाते हैं। यानी कि हमारे पास जैसा आउटपुट है उसमें से कुछ पोर्शन हमारे को हटाना है, फिल्टर करना है, तो इसलिए इस प्रकार के परिपथ को क्या नाम दिया गया, फिल्टर नाम दिया गया है। अब ये फिल्टर जो है ये प्रेरक कुंडली और संधारित्र के संयोजन से बनाए जाते हैं। इनमें पार्श्व अगर संधारित्र यदि जोड़ा जाता है तो संधारित्र हमेशा पार्श्व पथ में जोड़ा जाता है और फिल्टर जो इंडक्टर है प्रेरक कुंडली है वो हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। क्या बताया मैंने, संधारित्र है वो पार्श्व पथ में यानी कि पैरेलल में और प्रेरकत्व कुंडली है, प्रेरक कुंडली है वो सीरीज में जोड़ी जाती है। और यदि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है यानी कि संधारित्र और प्रेरक कुंडली का कॉम्बिनेशन है तो दो प्रकार के फिल्टर और बनते हैं, एक एल सेक्शन फिल्टर और एक पाई सेक्शन फिल्टर, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस वीडियो में मैं बात करता हूँ आपके साथ पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर यानी कि कैपेसिटर जो है, शंट कैपेसिटर फिल्टर भी बोलते हैं इसको, यानी कि जो कैपेसिटर जो है वह है लोड रेजिस्टेंस जो है उसके साथ सिर्फ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए इस विधि में संधारित्र सी को दिष्टकारी के निर्गम में लोड प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में लगाया जाता है। अब आपके सामने जो डायग्राम है इसमें देखिए चित्र 3.61, ये जो 3.61 जो है इसमें देखिए ये कैपेसिटर लगाया गया है, ये डायोड था, ये अर्ध तरंग दिष्टकारी है क्योंकि इसमें एक डायोड है और यहाँ पर ये लोड रेजिस्टेंस आरएल है। इस लोड रेजिस्टेंस आरएल के समांतर क्रम में देखिए ये समांतर क्रम में कैपेसिटर लगाया गया है यानी कि संधारित्र लगाया गया है। अब मैंने बताया था आपको कि जो अर्ध तरंग दिष्टकारी है उसका आउटपुट किस प्रकार होता है,
आधे भाग के लिए आउटपुट प्राप्त होता है, यहां से लेकर यहां तक आधे भाग के लिए क्या होता है, जीरो होता है, फिर आधे भाग के लिए पुनः हमारे को आउटपुट में धारा प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो नीचे 3.63 जो चित्र बताया गया है, यह पूर्ण तरंग दिष्टकारी है, क्योंकि इसमें दो डायोड है, एक D1 और एक के नीचे देखिए D2। D1 और D2 जो डायोड थे और ये दोनों का जो N सिरा था वो एक साथ लोड रेजिस्टेंस RL के साथ कनेक्ट होता है, और ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी का हमने ग्राफ को डिस्कस किया था कि आउटपुट जो होता है वो इस प्रकार होता है। अब ये लोड रेजिस्टेंस RL है, इसके साथ संट में या समांतर क्रम में क्या जोड़ा गया है, ये कैपेसिटर जोड़ा गया है जिसको मैंने ब्लैक कर रखा है, इसको मैंने क्या किया है, ये राउंड में किया है, ये कैपेसिटर जोड़ा गया है। अब कैपेसिटर जो अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में जब यूज किया गया है तो देखिए जो संधारित्र जो होता है उसकी खास बात होती है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की। तो यहां पर देखिए ग्राफ में जब ये यहां से इस पॉइंट से पीक पॉइंट तक जाता है तो कैपेसिटर चार्ज होता है, और जब धारा का मान आउटपुट में कम होना शुरू हो जाता है तो वह डिस्चार्ज इस तरीके से डिस्चार्ज होता है। अब यहां पर जब चार्ज होता है तो डायोड का रेजिस्टेंस कम में आता है, और जब डिस्चार्ज होता है तो लोड रेजिस्टेंस कम में आता है। तो इस प्रकार से हम अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में जब संधारित्र यूज किया जाता है एज ए फिल्टर तो इस प्रकार से हमारे को आउटपुट प्राप्त होता है। देखिए आपके सामने ग्राफ है, उसमें कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग भी शो की गई है। अब देखिए माना कि संधारित्र जो है उसकी धारिता कितनी है, सी है, तब इसकी प्रतिबाधा अक्ष सी इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/ωC, जो कि लोड प्रतिरोध RL की तुलना में अत्यल्प हो। मान इस प्रकार संधारित्र की धारिता सी का मान इस प्रकार लेते हैं कि इसकी प्रतिबाधा का मान क्या हो, अत्यल्प हो, ताकि संधारित्र जो है स्पंद मान निर्गत वोल्टता के प्रत्यावर्ती घटक को बाईपास प्रदान कर सके, यानी कि जो निर्गत वोल्टता है उसके प्रत्यावर्ती घटक को क्या करना है, बाईपास प्रदान कर सके। फिल्टर के रूप में उपस्थित संधारित्र सी जो है आवेशित होकर ऊर्जा संग्रहित करता है, और जब लोड पर वोल्टता घटती है तो यह लोड द्वारा अनावेशित होकर वोल्टता नियत रखने का प्रयास करता है। तो अब देखिए एक बार पुनः मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि देखिए जब यहाँ पर प्रत्यावर्ती घटक यहाँ से जब आगे पी बिंदु तक पहुंचता है तो ये उसको बाईपास कैपेसिटर के माध्यम से इधर से चली जाएगी, आगे लोड रेजिस्टेंस का प्रतिरोध अधिक होने के कारण से ये कैपेसिटर सी उसको बाईपास कर देता है। अब देखिए दिष्टकारी के डायोड में से धारा का जब चालन होता है तो पी बिंदु पर विभव का मान निर्गत स्पंद वोल्टता के शिखर मान EM तक बढ़ता है, जिससे संधारित्र का आवेशन महत्तम वोल्टता EM तक होता है। कई बार क्वेश्चन आता है छोटे कम्पिटिटिव एग्जाम में कि संधारित्र का आवेशन किस वोल्टेज तक होता है, यानी कि जब संधारित्र को एज ए फिल्टर अर्ध तरंग दिष्टकारी या पूर्ण तरंग दिष्टकारी में काम में लिया जाता है तो उसका जो चार्जिंग होती है वो महत्तम वोल्टता EM तक होती है, और जब वोल्टता का मान निर्गत वोल्टता का मान यानी कि लोड रेजिस्टेंस RL जो था उस पर वोल्टता का मान कम होता है तो संधारित्र का अनावेशन किस पर होता है, लोड रेजिस्टेंस RL में से प्रारंभ हो जाता है, यानी कि चार्जिंग जो होता है तब डायोड काम कर रहा है तब होता है, तो डायोड का रेजिस्टेंस जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो कम होता है, और जब अनावेशन होता है तो ये लोड रेजिस्टेंस RL में से होता है। तो RL के माध्यम से जब अनावेशन होता है तो टाइम कॉन्स्टेंट यानी कि समय नियतांक RLC पर निर्भर करता है। तो ये जो आउटपुट संधारित्र पर विभव का मान किसी भी समय इस वैल्यू से दिया जाता है V=EM(e−t/RL)C, और इस समीकरण को जब बाइनोमियल एक्सपेंशन से e की एक्सपोनेंशियल सीरीज ओपन करके लिखते हैं तो ये वैल्यू प्राप्त होती है जो समीकरण 2 में दी गई है। यहाँ पर जो कैपिटल टी है यह क्या है, समय अंतराल है, दो विभव शिखर के मध्य क्या है, अंतराल है। अब देखिए अब हम सोल्व करते हैं तो EM-EMT/2RLC,
यहाँ तक ईएम का वह मान्यता, यहाँ तक चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर वापस चार्ज होता है और फिर वापस डिस्चार्ज होता है। यानी कि ये जो सीधी लाइन है ये किसकी है, डिस्चार्जिंग की है। डिस्चार्जिंग किसके माध्यम से हो रहा है, आरएलसी यानी कि लोड रेजिस्टेंस आरएल। और ये जो लाइन है, ये लाइन आपके सामने जो है, ये जो इस प्रकार से जो लाइन है ये है, यानी कि जो कर्व टाइप में है ये चार्जिंग की है। अब यहाँ पर दिस्ट वोल्टता ईडीसी का मान दिया गया है कि ईएम माइनस ईएम इंटू टी अपॉन टू आरएलसी। इसको हम एज ए जो ग्राफ था अभी प्राप्त हुआ था ये वाला, इसको हम यहाँ से एकदम सीधी रेखा के रूप में माने तो हमारे को ये ग्राफ प्राप्त होता है। और ये ग्राफ प्राप्त होता है तो अब हम उर्मिका गुणांक का मान ज्ञात करना चाहें तो उर्मिका वोल्टता का शिखर मान कितना है, ईएम इंटू टी अपॉन टू आरएल। अब ये चित्र को यदि हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये आरादंती वोल्टता के समतुल्य माना जा सकता है। इसलिए संधारित्र के महत्तम आवेशन के टी समय के पश्चात उर्मिका वोल्टता क्या हो जाएगी, ई एम अपॉन टू आर एल से टी माइनस टू टी। ठीक है, यहाँ पर ये जो लिखा गया है आपके सामने, यह आरादंती जो आउटपुट है उसका फंक्शन होता है, उर्मिका वोल्टता के समय के साथ परिवर्तन को निरूपित करता है। अब इसको यदि हम सोल्व करते हैं और फिर उर्मिका गुणांक आर इक्वल टू ई ए सी अपॉन ई डी सी निकालते हैं, क्योंकि पुराने वीडियो में उर्मिका गुणांक के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बोर्ड पर आपको बताया था कि उर्मिका गुणांक निर्गत प्रत्यावर्ती घटक का दिष्ट घटक के साथ अनुपात कहलाता है। और इस प्रकार से R इक्वल टू टी अपॉन टू रूट थ्री आर एल इंटू सी प्राप्त होता है। और अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए यह मान 0.288 अपॉन एफ इंटू आर एल सी प्राप्त होता है, तथा पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए 0.144 अपॉन एफ इंटू आर एल सी प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उर्मिका गुणांक जो R है वह आवर्ती एफ लोड प्रतिरोध आर एल तथा धारिता सी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि तीन चीजें हैं, आवर्ती एफ है, लोड प्रतिरोध आरएल है तथा धारिता सी है, इन तीनों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि लोड प्रतिरोध आरएल का मान अनंत कर दिया जाए तो उर्मिका गुणांक का मान शून्य हो जाता है और धारिता पर दिष्ट शिखर वोल्टता का मान बराबर ईएम के बराबर प्राप्त होता है। लेकिन हम अनंत नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आरएल का अधिक मान कर दिया जाए तो हमारे को अच्छी दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है। देखिए, यानी कि आवर्ती एफ लोड प्रतिरोध आरएल तथा धारिता सी, इन तीनों में वृद्धि करने से उर्मिका गुणांक न्यून होने के साथ साथ वोल्टता नियमन में भी सुधार होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पार्श्व पथ संधारित्र है, संधारित्र जो है उसको पैरेलल में कनेक्ट करके, यानी कि लोड रेजिस्टेंस आरएल जो था उसके पैरेलल में कनेक्ट करके हम एज ए फिल्टर यूज कर सकते हैं।